नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमा डांगी है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ पे कर्क रोग तज्ञ यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में लास्ट महीने में हमने एक सर्वे किया था मुंबई कैंसर इंडेक्स, मेनली जानने के लिए कि कैंसर का इम्पैक्ट क्या है लोगों में और इसके चैलेंजेस क्या फेस होते हैं, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक टॉक्सिसिटी होती है, COVID-19 का इम्पैक्ट क्या हुआ है कैंसर में, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने एक मुंबई कैंसर इंडेक्स सर्वे किया था। और इसी में हमने ये देखा है कि लगभग 80% लोगों में डायग्नोसिस नहीं होता है या पेशेंट आगे नहीं आता है स्क्रीनिंग के लिए, इसलिए क्योंकि वो डर जाता है डायग्नोसिस से, यानी कि उसको डर है कि कहीं मुझे मेरा टेस्ट पॉजिटिव ना आ जाए तो मैं क्या करूँगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि लोग इस शब्द से, जो कैंसर ये शब्द ऐसा है कि जिससे लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। कैंसर अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो इसको हम पूरी तरह अच्छा कर सकते हैं, यानी कि हम इसको क्योर कर सकते हैं। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में हम पकड़ेंगे तो उसके इलाज में भी हम उसके इलाज का खर्चा भी कम होता है, हम बेस्ट टेक्निक्स दे सकते हैं। एडवांस स्टेज में हम कैंसर को सिर्फ कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और ये मॉर्बिडिटी को भी बढ़ाता है। तो कैंसर ये शब्द से डरना नहीं है, इसे हमको, इससे हमें लड़ना है और हमको ठीक होना है। तो बिना झिझक के प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, प्लीज़ डरिए नहीं, खुद का स्क्रीनिंग कराइए और इस बीमारी को हमको जल्दी पकड़ना है। और एक हमने ये जाना कि ऑलमोस्ट 40% लोगों ने COVID-19 के बाद अपने रहन सहन में बदलाव लाया है। ये कोविड पैंडेमिक क्यों लगा, एक जैसे कि एक वेकअप कॉल हो गया है लोगों में कि भाई ये कोविड की वजह से लोग बीमार पड़े हैं, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है, किन्होंने अपनी जानें खो बैठी हैं कोविड की वजह से। आई थिंक ये जानने के बाद काफ़ी सारा बदलाव आया है और लोग, पीपल आर लिविंग मोर हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली खाने पीने में। तो ये एक अच्छा बदलाव आई थिंक COVID-19 ने लाया है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट आई थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू दिस, यानी कि इसको सस्टेन करना ज़रूरी है। भूल के वापस से इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल कैन बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर रिस्क ऑफ कैंसर एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेल इन आर कंट्रोल। इफ़ वी ईट हेल्दी, अवॉइड टोबैको, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स, प्रोसेस्ड फूड, try to eat healthy so that you can remain healthy and prevent cancer. 16% लोगों ने कहा कि काउंसलर की सख्त ज़रूरत है ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। मैं तो बहुत सहमत हूँ इससे, काउंसलर एक बहुत ही अहम पर्सन है जब कैंसर की ट्रीटमेंट चालू रहती है। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट बहुत तकलीफ से गुजरता है, जैसे कि सर्जरी होती है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये लंबी ट्रीटमेंट है, ये छोटी ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसके दौरान जो जो द पर्सन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल एज वेल एज फिजिकल चेंजेस, तो इसमें एक काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे कैन गाइड, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन टॉक टू यू, दे कैन हेल्प यू कोप विथ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन अ बेटर वे, सो यू ओनली कम आउट स्ट्रॉन्गर एट द एंड ऑफ योर ट्रीटमेंट।